नमस्कार सत श्री अकाल। IVF दे पेज से अज तुहाडा सारिआं दा फिर तों स्वागत है। जिस तरह तुसीं देख ही सकते कि हुण तक आपणे बहुत सारे टॉपिक्स ने जिहड़े ओह डिस्कस कीते ने IVF दे रिलेटिड, तां अज दा जिहड़ा आपणा विशा है ओह है स्टैप्स एंड प्रोसैस ऑफ IVF ट्रीटमेंट। तां जिवें कि आपां नूं पता ही है कि कुछ पेशेंट हुंदे ने जो IVF दे ट्रीटमेंट तों डरदे ने कि किदां दा प्रोसैस है, किवें होएगा, ठीक है। और उहनां नूं अगर दस्सीए कि तुहाडा IVF होणा है अगर डिटेल में बात करें तो टोटल 8 स्टेप्स रहते हैं IVF ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, अगर किसी पेशेंट को पहले तो IVF की अगर ज़रूरत है एंड IVF के बगैर देयर इज़ नो चांस कि वो नेचुरली कंसीव कर सकती है, तो पेशेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी IVF कराए तो उसको बेटर सक्सेस मिलेगा। बिकॉज एज और यूट्रस की रिसेप्टिविटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंसीव करने के लिए। सो हम एज कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए जितना अगर आप यंग हो और आपको पता है कि IVF के अलावा कोई और चारा नहीं है तो आपको जल्दी से जल्दी IVF प्लान कर लेना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस के बारे में। तो टोटली 8 स्टेप्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप है हमारा हार्मोनल एंड अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। तो हार्मोनल मींस पेशेंट के हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं, थायराइड, प्रोलैक्टिन, अंडा बनाने वाले हार्मोन्स, FSH, LH, AMH, E2, एस्ट्रोजन लेवल्स, ये सब डिटेल टेस्टिंग की जाती है। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि बच्चेदानी नॉर्मल है कि नहीं, अंडेदानी नॉर्मल है कि नहीं। पेशेंट का जैसे अगर IVF ट्रीटमेंट सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स पे स्टार्ट होना है तो उसके में हम वो चेक करते हैं कि कोई सिस्ट तो नहीं बनी हुई, कोई गांठें तो नहीं है जिससे हम ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें रुकना चाहिए। सो ये फर्स्ट स्टेप है कि पेशेंट का हम पहले इवैल्यूएशन अच्छे से कर लेते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप है ओवुलेशन इंडक्शन या स्टिमुलेशन जिसको हम कहते हैं। ये प्रोसीजर सेकेंड डे अगेन से स्टार्ट होता है, सेकेंड या थर्ड डे पे हम स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट का। एंड टोटली 10-12 दिन तक पेशेंट को ऑन एन एवरेज टीके लगते हैं। किसी पेशेंट में 2 दिन प्लस भी हो जाता है, किसी में 2 दिन माइनस भी हो जाता है। इंजेक्शंस लगा के हम अंडे बनाते हैं पेशेंट के, और जिससे हम एग की ग्रोथ बीच बीच में मॉनिटर भी करते हैं जिसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। और एग जब जाके रेडी हो जाता है तब वो निकालने के लिए रेडी हो जाता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज ओवम पिकअप। ओवम पिकअप या ऊसाइट रिट्रीवल जिसको हम कहते हैं, एग निकालने का प्रोसीजर। तो इसमें हम जब पेशेंट्स के एग्स रेडी हो जाते हैं, एग्स को मैच्योर करने का एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके 34-35 आवर्स के बीच में हम एग्स निकाल लेते हैं पेशेंट के। ये प्रोसीजर अंडर शॉर्ट GA होता है, एनेस्थीशिया के अंडर होता है। पेशेंट बेहोश किया जाता है, 10-15 मिनट का प्रोसीजर रहता है। 10 मिनट बाद पेशेंट वापस होश में आ जाता है और उसके 2-3 घंटे बाद पेशेंट डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। बहुत हार्मलेस सा प्रोसीजर है, वेरी लो रिस्क प्रोसीजर है एंड कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, जिसमें पेशेंट को कुछ नहीं करना, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन चेक। हमने जिस दिन उसके पिकअप किया, उसके एग्स लिए जाते हैं, एग्स बाहर निकालने के बाद हस्बैंड का सीमेन सैंपल भी लिया जाता है, दोनों को लैब में मिला के ICSI या IVF किया जाता है। और नेक्स्ट डे हम उसके 24 घंटे बाद चेक करते हैं कि एग और स्पर्म मिलके जायगोट बना है या नहीं बना, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन चेक, कि फर्टिलाइज हुए हैं वो एग्स कि नहीं हुए हैं। सो उस स्टेप को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पेशेंट के लेवल पे इस स्टेज पे पेशेंट को कुछ भी नहीं करना है, पेशेंट हैज़ टू वेट। ये सब एम्ब्रियोलॉजिस्ट और डॉक्टर का काम है आपको बताना कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो ग्रोथ। बिकॉज हम जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसी दिन हम पेशेंट के यूट्रस में वो एम्ब्रियो नहीं डाल देते हैं, उसको हम ग्रो करते हुए देखते हैं। कुछ मरीज जिनके नंबर ऑफ एग्स काफ़ी कम हैं, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनका हम डे 2 पे ही ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं, डे 2 ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्मेशन,
मीन्स जिस दिन हमने एग उसका निकाला उस दिन से सेकेंड डे. सो जिस दिन एग्स निकाला इज डे ज़ीरो. उसके बाद नेक्स्ट डे इज़ फर्टिलाइजेशन डे, दैट इज़ डे वन. और उसके नेक्स्ट डे इज़ डे टू, जब सेल्स डिवाइड होना शुरू होते हैं और हमें लगता है कि अगर हम इनको ज़्यादा दिन लैब में रखें हो सकता है ये एम्ब्रियो आगे ना ग्रो कर पाए, या किसी भी कारण से हमें डे टू या डे थ्री एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है. इफ़ अगर हमारे पास ज़्यादा एग्स हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, इफ़ अगर हम उनको डे फोर या डे फाइव तक ले जा सकते हैं तो हम उनको डे फोर या डे फाइव तक भी ले जाके फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर हम फ्रीज भी कर सकते हैं. तो दैट इज़ एम्ब्रियो ग्रोथ जो हमें पता चलती है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज़ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या फिर फ्रीजिंग, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट. अगर पेशेंट का फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है तो डे टू से डे फाइव के बीच में किसी भी दिन किया जा सकता है. डे फाइव इज़ द ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र. तो हम डे फाइव पे अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैक्सिमम हम दो एम्ब्रियोज डालते हैं, एंड अगर डे टू डे थ्री पे करें तो अराउंड थ्री एम्ब्रियोज डाले जाते हैं पेशेंट के अंदर. एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ अ वेरी सिंपल पेनलेस प्रोसीजर, जिसमें एक बहुत पतली सी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ट्यूब से हम एम्ब्रियोज अंदर लोड करके यूट्रस की कैविटी के अंदर यहाँ से ले जाते हुए अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं. ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, एनेस्थीशिया की ज़रूरत नहीं लगती है, और पेशेंट का हम ब्लैडर पार्शली फुल करके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि यूट्राइन कैविटी सीधी हो जाती है और आसानी से एम्ब्रियोज उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मेडिकेशन पीरियड, वेटिंग पीरियड ऑफ 14 डेज, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट. आई थिंक हमने लास्ट टू लास्ट वीक भी इसी टॉपिक पर डिटेल में बात की है. सो लोगों को अगर उसके बारे में डिटेल में बात करनी है तो आप हमारी लास्ट टू लास्ट वीक वाली वीडियो खोल के देख सकते हैं. एंड फाइनल स्टेप ऑफ एन IVF ट्रीटमेंट इज़ अ प्रेगनेंसी रिजल्ट. जिस दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसके दो हफ्ते बाद पेशेंट का प्रेगनेंसी रिजल्ट पता चलता है. सो जो देखिए, IVF इज़ नॉट 100% गारंटीड सक्सेसफुल प्रोसीजर. तो प्रेगनेंसी टेस्ट हम दो तरह से कर सकते हैं. इवन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो नॉर्मली मार्केट में यूरिन किट्स आती हैं, और नहीं तो दूसरा टेस्ट है बीटा HCG टेस्ट, जो ज़्यादा कन्फर्मेटिव रहता है, जो ब्लड सैंपल लेके हम बाहर से कराते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पेशेंट इज़ मैनेज्ड फर्दर. थैंक यू. ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ. ਸਟੈਪਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ IVF ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.